हाँ पांडे, क्या चल रहा है? सर, हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, वो साला यही है, वो है ना नवजीवन लॉज। पांडे जी, ये पहली बार हुआ है कि पुलिस का तमंचा फेल होने पर कोनो क्रिमिनल पकड़ा गया है, और ये शुभ काम का आप ही को मौका मिलना था। लीजिए, अब कर लीजिए जी भर के मुंह दिखाई। आए थे लेने बाबू, मिल गई बॉबी। अब सोचते हैं मुंह दिखाई के साथ स्वागत ही मना ले। पांडे जी, डंडा कर रहे हैं? सरकार हाथ में दे दिए तो जहां तहां घुसाते रहेंगे का? पन्नी का चर्चर बंद कर, वरना सही में डंडा दे देंगे। और आपकी बार पूरा बिटवा अभी तो 2 दिन हवालात में है, और वो भी ई डंडा का साथ, समझे? आऊंगा पाऊंगा, समझे है का आप हमको? अरे चोटी का वकील किए हैं, उसके आते ही चट से बेल और फिर पट से भरी। अरे शादी है हमरा रविवार का। अरे अरे बिटवा का शादी है। अरे क्या हुआ? अम्मा याद आ गई हमको, सोचे थे शादी करके उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे। साहब जी, हमको छोड़ दीजिए, हम बस शादी करके वापस आ जाएंगे, सोम ज्यादा से ज्यादा मंगलवार तक। चलो उठो, बैठो उधर, सारा ड्रामेबाज। ठीक है, पर एक बात बोल दे, एक जोड़े का शादी रुकवा के बहु बुरा कर रहे हैं आप। अरे पाप चढ़ेगा पाप आपको। हाँ गाड़ी खराब हो गई है सर। राम भरोसे, तुम गाड़ी ठीक करा के थाने पहुंचे। चलो चलो अंदर चलो, बैठो बैठो जल्दी।
होगा, ये कहना मुश्किल है। कुछ शव बरामद हुए हैं, लेकिन पुलिस और कैदी दोनों लापता हैं। पुलिस की छानबीन जारी है, लेकिन उन्हें किसी भी संभावना से इनकार नहीं है। सर, पैसे नहीं दिए उसने? कौन नहीं दिया? ए, सुन, हम गलत रास्ते आ गए हैं। इधर किसी ने भी देख लिया ना तो पंगा पड़ जाएगा। उधर जंगल की तरफ से एक सकरा रास्ता है, चल। अबे उधर से नहीं, इधर से। अबे ए, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? वहां से रास्ता नहीं है। अरे ए मैडम, आप अपना ढकिए ना, हम अपना छुपा लेंगे। क्या पवन कुंड, ये पिछवाड़ा और का? ए, तमीज से बात कर ले। तमीज? अरे हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आप ही हमारे साथ आके लपड़ झपड़ करना शुरू कर दी। तेरे भले की बात बोल रही हूँ, मगर का है, इस सारे जंगल में एक हमारे सिद्ध पुरुष मिले हैं आपको भलाई करके पुण्य कमाने के वास्ते। बहन दे टके तो सुन ले, तुझे खुला छोड़ दिया ना तो मैं भी फंसूंगी। तेरा भूतियापा देख लिया मैंने वहाँ ढाबे पे, इसलिए तुझे अकेला तो मैंने छोड़ना है नहीं। दूसरी बात, मैं तुझसे पहले आई थी, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं अपना दिमाग लगा चुकी हूँ, समझा? देखो ये परकटी, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे और अगर नहीं मिला तो बना लेंगे। बड़ा ही हमको रास्ता दिखाने वाली, मैं अपना दिमाग लगा चुकी हूँ। मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा, नहीं मिला है तो बना लूंगा। हो गई तसल्ली? कट गया छल्ला? झंडू साला। आपकी शादी हो गई का? हमारी हो रही है, रविवार का मुहूर्त, वहां लगन की सारी तैयारी हो गई होगी और हम दूल्हा यहाँ लटके हैं ससुरे पर्वत। शादी करेगा साला झंडू। और रुके मुन्ना, आप हमारा नाम कैसे जानती हैं? अबे ज्योतिष थोड़ी हूँ, हाथ पे जो इश्तेहार छपा रखा है तूने नाम का। आंखें बड़ी तेज हैं आपकी। सिर्फ आंखें नहीं, दिमाग भी तेज है। अब सुनो मुन्ना लाल मिश्रा, मुन्ना मिश्रा है नाम हमारा। मुन्ना मेरे, कवारे नहीं मरना है तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। अपने वहां से निकलने के बाद वो गाड़ी खाई में जा गिरी, पुलिस को अब तक ये आइडिया ही नहीं है कि कोई जिंदा बचा भी है कि नहीं। तो अभी कुछ टाइम तक ये जाओ वहीं लाश बन के पड़े रहो, कुछ समझा? चमनदीन सोच, अगर पुलिस खुद ही ये समझ ले कि तू जिंदा ही ना है तो पूरी लाइफ टाइम के लिए तू फ्री है ना। आजा आजा, कम फॉलो मी। वैसे एक बात कहे हम आपको, ये पहली बार है जो हम किसी लेडीज के साथ ऐसे जंगल में घूम रहे हैं, और वो भी जो अंग्रेजी बोलती हो। सुनिए, एक बार हमारे साथ हाथ मिलाइए ना, मिलाइए मिलाइए। तुमसे मिलके बहुत मजा आ रहा है। आपसे तुम पे आ गया बेंद्र टगे। ओ सुनो मैडम, ये मत समझना कि हम तुम पर लाइन मार रहा हूँ, हमरा और तुमरा टाका तो लड़ा ही नहीं सकता। तुम हमरे हिसाब की लड़की नहीं हो ना? नहीं, हमरा मतलब ये है कि लेडीज लोक में एक अदा होती है, हया होती है। चलें तो कमरिया लचके, छन्न छन्न पायलिया बाजे, हंसे तो मोती झड़े, और तुम तो तुम्हारी हो, लेडीज होके भी जीन पैंट पहनती हो, मुंह खोलते ही श्लोक बोलती हो, तो भैया ही कि हमरी और तुमरी तो जमेगी नहीं। वैसे तुम्हारा नाम का है? बाबू। शाबाश, बहुत अच्छे नाम है बाबू है। अरे, ओ पीटी उषा,
कहाँ दौड़ लगा रही हो? अब करना कहाँ है? अरे कहाँ करना है? सवाल बड़े पूछता है यार तू। तुम जेब कतरो टाइप्स का यही है ना? मैं जेब कतरा हूँ? और ये समाचार कहाँ से मिले आपको? शकल से डॉक्टर या इंजीनियर तो लगता नहीं है। और तुम टुच्चे क्रिमिनल्स की यही प्रॉब्लम होती है, बजी रहती हर वक्त, कॉन्फिडेंस नहीं होता। कौन का? अबे यार, जिगरा जिगरा। कहा करें, आप जैसी गुरु घंटालनी मिली नहीं ना हमको कभी। काम की बात सुन ले, अब हमें तलाश करनी है ऐसी ठुकी पीटी वीरान से जगह जो हो तो घनी आबादी के बीच मगर वहां कोई आता जाता ना हो। चिंता ना कर, कुछ गुण तो तुझे भी सिखा दूंगी। बहुत पका हुआ चावल लगती हो तो। लगता है कई बार पुलिस को चकमा दे चुकी हो। अरे गिनती भूल गई अब तो, ये तो पहली बार था जो अरेस्ट हो गई। तू कितनी बार धरा गया है? फिर तो बहुत इज्जत होगी आपकी पुलिस विभाग में। मतलब ही कि हम तो टुच्चे की तरह धरे गए और आप इज्जत से अरेस्ट हुए। भाग। अरे सुनो तो, कौन जुर्म में पुलिस तुमको इतना इज्जत दी है? चल बे, जुर्म करता होगा तू, मैं बिजनेस करती हूँ। वासा बास, बिजनेस लेडीज हाँ। इसकी माँ का, इस दुनिया में ढूंढने पे भगवान मिलने की गारंटी नहीं है, पर छुपने की जगह जरूर मिल जाती है। कम फॉलो मी। अच्छा तो कौन बिजनेस है तुम्हारा? तुझे बड़ी पंचायती बढ़िया। धंधा वंदा करती हो का? ए भूतनी चोर, मुंह संभाल के बात करियो। धंधा करती होगी तेरी होने वाली। माल का बिजनेस है मेरा, माल समझता है? चरस गांजा अफीम, साला चप्पल चोर। हम भी तो यही बोले, बिजनेस यानी कि धंधा। ज्यादा होशियारी ना कर, मालूम है मुझे कौन सा धंधा बोला था तू? अरे लाखों का खेल है मेरा। लाखों का? फिर दिल्ली और पूरे NCR में सप्लाई है। और ये बिजनेस ना अकेले नहीं होता, पूरा स्टाफ है। कस्टमर बनाने में और ये बिजनेस जमाने में जिंदगी निकल जाती है, समझा? यार जबान बहुत कठोर है तुम्हारी। लेडीज होके इतना गाली गलौज, और हमरे हिसाब से तो औरत जात को ये काम धंधा ही नहीं करना चाहिए। काहे करती हो ये सब? तो क्या करूं, तेरी जैसी की लौंडेबाजी के काम आऊं? अरे औरत घर की शोभा होती है, चूल्हा चौका करो, बाल बच्चे संभालो। अब हमरी होने वाली को ही ले, एकदम सुशील है, हम घर बनाएंगे, वो संभालेगी। बड़ी छोटी क्लास का आदमी है तू। अरे मैं आज की औरत हूँ, उन छोरियों में से नहीं हूँ जो चूल्हा चौका करने में जिंदगी की माँ बहन कर दें। कैपिटल में रहती हूँ, कैपिटल समझता है? कैपिटल यानी दिल्ली, और अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाती हूँ। अच्छा एक बात, ए चुप कर, मुँह में टॉफी लेके चू। ये तुम इतना गंभीर कह रहती हो? गर्भवती हुई थी का? साले कुत्ते माँ के दीने। अरे माल की दलाल उठ, का बिगाड़े थे हम तुमरा? अरे का बिगाड़े थे हम तुमरा? क्या हुआ? कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रही हो हमसे? पीछे आ, पीछे आ। हो गई ना हमारी दैया मैया, कहाँ जाएंगे? वहाँ कहाँ जा रही हो चंडालिनी? सारी हेगड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। अपने लिए ना आई ये भगवान, यहाँ पुलिस चौकी में आके दुबके हुए हैं।
एक तो अंग्रेजी बोल बोल के हमारे दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया, हम भी साली उस अंग्रेजी के चक्कर में आ गए, वरना हम तो वहीं पे खाई में फिसल पट्टी बना के नीचे को सरक लेते। रे तो क्यों मरे जा रहा है, अभी तक तू धरा तो गया है नहीं। लो भैया ये तमन्ना भी पूरी हो गई आपकी। भैया बिल्डिंग गिर के रही। इनकी माँ की आंख इन पुलिसियों के सामने से निकल कर आई, फिर भी हवा नहीं लगने दी। वैसे तू बड़ा कलंतरी निकला, अभी से हाल है मुन्ने, तो बड़े होके तो तू मंजावा क्रिमिनल बनेगा। ज्यादा छोटे दिखते हैं तो गोद में ले लो, हा? बहुत हल्के मिली हो तुम हमको। अच्छा बड़ा भारी क्रिमिनल हो रहा है तू, थोड़ा स्टैंडर्ड जेब कटरे से तू ऊपर का है। किस अपराध में धरा गया था? अपराधी होंगी आप, हम भी करते हैं वो सप्लाई का बिजनेस। ऐसा क्या सप्लाई करता है तू? धमकी, धमकी सप्लाई करते हैं हम। दालमिया मिल के मालिक का नाम सुनी हो? हाँ वो लाल मिल वाला। हाँ उनका अपहरण हुआ था अभी हाल में, वो हम ही तो थे। जा। अरे 1 करोड़ फिरौती मांगी थी तो हम क्या कम मांगेंगे? 1 करोड़ ही मांगेंगे। अबे चल जूते, शक्ल देखिए 1 करोड़ मांगेगा। तू तो ग्राहक लेंगे, हमारा काम छुट्टा है, जो पैसे दे दे उसके लिए खेल कर देते हैं। साड़ी में तो बहुत माल दिखती है। होने वाले मिसेस का नाम क्या है? अभी हम उससे मिले कहाँ है जो नाम वाम पूछे? हमारे यहाँ शादी से पहले मिलने जुलने का रिवाज नहीं है, जो कुछ पूछना है शादी के बाद। पूरे 5 लाख नकद और मारुति कार तय हुआ है हमारे दहेज में। लौंडिया को पता है तेरे धंधे के बारे में? बता दियो, बाद में पियर लगेगा। हाँ? डर। एक बात कहें, जब हम जिंदगी में पहली बार घोड़ा दबाए थे हमारी हालत खराब हुई, एकदम गीले हो। शुरू शुरू में होता है, फिर धीरे धीरे डर का धोती सूखने लगा, और अब तो जैसे बिल्कुल हलवा। तुम्हारे भी तो दिल में कभी डुगडुगी हुआ होगा? हाँ बचपन में मैं ना अनाथालय में थी, पढ़ाई में मैं तेज थी, तो राठौर ने मुझे अनाथालय का मैनेजर, उसने मुझे 6th class के बाद बड़े स्कूल में डलवा दिया। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ लिख के मिनिस्टर बन जाऊँ, ना जी ना। वो हरामी चाहता था
कि मैं अमीर घरों के बच्चों को माल सप्लाई करूं। अब डर नहीं लगता तुमको? किससे? पुलिस से? मैं तो उनके बाप से भी नहीं डरती। ऐसा कोई शीशा होता जिसमें हर इंसान की असली सूरत दिखती तो हमरी और तुमरी सूरत भी ऐसे ही दिखती। काम जो रावण जैसा करते हैं। या अरे विधक काहे जाती हो बार बार? तुमको रावण बोल दिए इसलिए? अरे खुद को भी तो वही बोले रावण। देख मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ, जो मैं दुनिया को बेचती हूँ वो इसलिए क्योंकि वो खरीदती है, और रावण तो रावण इसलिए था क्योंकि उस युग में राम थे। यहाँ तो सभी रावण है। अगर ऐसा ही सोचती हो तो फिर बुरा काहे मान गई हमारी बात का? एक बार जो जीत पकड़ ली तो बस पकड़ ली, भाग दौड़ भी बहुत है जीवन में। और कुछ पूछना चाहती हो? शादी ब्याह बाल बच्चे वगैरह? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तरक्की कब है जिंदगी में? जो जो मैं चाहती हूँ वो मिलेगा कब? मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा, जो तुम चाहती हो वो सब मिलेगा, मगर चाहना जरा संभल के बेटा। बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है चाहना। जब तक इंसान ये जान पाता है कि उसे चाहिए क्या, बड़ी देर हो जाती है। मुझे खूब पता है मुझे क्या चाहिए, और ये भी पता है कि मेरी किस्मत में लिखा है जो मुझे चाहिए। अबे चल ना। अरे मार, अबे मार। कहाँ से आ गया तू अचानक से? अब आया है तो रुकियो, जइयो मत। मैं ऐसे किसी को रुकने को कहती तो नहीं, तेरी किस्मत अच्छी है, वैसे कुछ बात तुझ में भी है। अब जाके सही हुआ तेरा इश्तेहार। कहां से आ गया तू अचानक से? हाँ अब आया है तो रुकियो। जाइयो मत, ऐसे में किसी को रोकती नहीं हूं, तेरी किस्मत अच्छी है, वैसे कुछ बात तो तुझ में भी है। चाहिए? हाँ ये बता कि हमसे क्या जुर्म हुआ जो यूं चल दिए मुंह फिराए। बेवजह हमको मिल गई सजा, ये पहली बार मात खाए। खामखा ही तुमसे पाला पड़ गया, अब जान ये कैसे छुड़ाए। खामखा ही तुमसे हम भिड़ गए, लो फंस गए बैठे बिठाए। इतना भी क्या है गुरूर तुमको भला, जो ऐसे हमें ठुकरा दिए। न समझो ये तुम कि हम हैं पीछे पड़े,
इतना भी ना किसी को हम मनाए। हाय खामखा ही तुमसे पाला पड़ गया, अब जानी कैसे छुड़ाए। खामखा जिगर पे गोलियां चली, पलक झपकते हम ढेर हो गए। खामखा तुमसे भिड़ गए। वेटर थोड़ा थोड़ा। हाँ सर। बता के क्यों नहीं आया है? हेलो, तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दे कि मुंह में दही जमाई है। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। देख, तेरी इज्जत करती हूँ, वरना इज्जत मैं वो जौन इज्जत करती है वो तो देख लिया हमने। अरे पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जो हमको तमाचा मार सके, और यहाँ तमाचा खाए तो खाए, वो भी एक लेडीज। अबे तो जब आप लेडीज खुद तुझे ढूंढते हुए आई है तो मर्द बन, खुद क्यों लेडीज की तरह टेसू बाहर जा रहा है, हैं? छोड़ना यार। अबे अबे छोड़, अबे ये तो वही हवलदार है जो दुर्घटना से पहले हमको पकड़ा था। छोटू एक बोतल और लेकर। ये लो सब। पैसे नहीं, दाहिने हाथ से रखो इस मेज पर। क्या फर्क पड़ता है साहब, दाएं से रखो या बाएं से रखो? अरे जीवन मरण का फर्क पड़ जाता है इन सब बातों से। बैठो। अरे यहाँ नहीं यार, इधर से आओ, इधर से। वो जो पुलिस का गाड़ी खाई में गिर गया था ना, उसमें हम भी थे, पर दुर्घटना से थोड़ी देर पहले साहब हमको उतार दिए। का अपराधी और का पुलिस वाले, सबका सब ही स्वर्ग को प्यारा हो गया, और अगले दिन सबका नाम मरने वालों की सूची में। हमरा छोड़ के हाँ, अब हम चलते हैं। दक्षिण दिशा से निकलना, भूल जाते हैं बार बार। अब तो दारू पिला दे, अब तो बनती है दारू। इगोर, आजादी, टोटल आजादी। अब क्या करोगी? करूंगी करूंगी, अभी तो बहुत कुछ करना है, पर ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मतलब कि धंधा छोड़ दोगी? अभी पागल हो गया क्या? बिजनेस थोड़ी छोड़ दूंगी, मेरा मतलब है जिस गलती के कारण मेरा अरेस्ट हुआ था वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। और अपनी सुना। अरे हाँ, दूल्हा राजा है तू तो, शादी की पीपड़ी बजेगी तेरी अब तो, है? Excited? अभी बोलना। हम इतना सोचते नहीं, अब जौन जौन होगा वो देख लेंगे।
एक बात बता, जो अगर हम अभी भी फंसे हुए होते फिर तो तू शादी में नहीं जा सकता था अपनी, फिर क्या करता? तुमसे शादी कर लेते। मुझसे शादी करेगा? मुझसे? पर तुझे तो मेरा काम करना भी पसंद नहीं है। मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ने वाली। हाँ हाँ, तुम हाँ तो बोलो। मतलब लौंडिया बस पड़ जाए कैसे भी हैं? साले झूठे जहर, साफ दिखता है तेरी आंखों में झूठ। कहां से आ गया तू अचानक से? अब आ गया है तो रुकियो, जाइयो मत। वैसे मैं किसी को रुकने के लिए कहती तो नहीं, पर तेरी किस्मत अच्छी है, कुछ बात तो है तुझ में। मुन्ना मेरे, हर चीज मांगने से नहीं मिलती, कुछ छीननी भी पड़ती है। दिल में है रास तो वो खोल दिया जाए यारा।
इश्क शैदाई का मोल दिया जाए, सारे जहां के गुनाहों को भी तोल दिया जाए, तेरी जिंदगी में खुशियां तमाम दिया जाए, मेरी जिंद मेरी जान तेरे नाम किया जाए। ओए दिलदारा जो भी तू सजा दे, सब कुछ ले ले रब्बा यार से मिला दे, मुझे है कबूल रब्बा जो भी तू सजा दे, सब कुछ ले ले रब्बा यार से मिला दे। ओ तू जो कह दे तो ना दे सारे तोड़ के दिखा, पत्थर से भी अश्क निचोड़ के दिखा, तू जो कह दे तो नाते सारे तोड़ के दिखा, पत्थर से भी अशक निचोड़ के दिखा। यारा सोनिया दिलदारा सोनिया, तेरे जरा से इशारे पे मैं जान मार जाऊं, बस दर्द जुदाई अब सह नहीं पा। यारा सोनिया दिलदारा सोनिया, ओ रब्बा तक तक अखियों में और रस्ते खत्म हो जाए, मेरा यार नहीं आए, कोई लख कोशिशों से अपने रब्बा फिर तू जो रूठे तो वो कैसे मनाए, वो मर के दिखाए या वो मार के दिखाए, रब्बा जीत के दिखाए या वो हार के दिखाए। वो दिलदारा पुलिस से बहुत यारी लगती है तुम्हारी। अरे दुनिया भर की खबर भी हम दें, ऊपर से हफ्ता भी खबरी हो। अरे तो मुखबरी कर दो ससुरे की। अरे पहला मौका मिलते ही कर दे, पर कोई मौका दे तब ना हरामी। तू कौन है? आसिक है, मदद ढूंढ रहे हैं। दिल का मामला है, लगता है मिल जाएगी, वरना किस्मत मुझसे ना मिलाती। कुश्ती देखना पसंद ना था ने? यो ले, गला घोट दिया मने इसका। इब नई मसूका के लिए पुरानी मसूका का गला तो घोटना ही पड़े, पर राणा का ये रुतबा डालने में बहुत बड़ा हाथ है इस पुरानी मसूका का। रेसलर था मैं, स्टेट लेवल का, साड़ों ने डोपिंग का चार्ज डाल दिया हमारे पे। जिस नशे का चार्ज डाला था हमारे पे, उसी का धंधा शुरू कर दिया। हिब इस पुरानी मशूका का साथ रहता तो गले में मेडल डाले दूध बेच रहा होता मैं। कोई नई बात कर ले। जलन हो रही हमारी तरक्की से। जले मेरी जूती। हाय, तेरा ये तेवर
बड़ा तीखा लागे मने। अरे तू ही तो है हमारी टीम की मैनेजर। जान के हाथ चे जान जावे तो जान जाने का मजा आ जावे। जो अगर ये जान ही चली जाए किसी दिन तो तू मेरी जान ही नहीं मेरी आन भी है। जान और आन के बीच में अगर दंगल होगा तो जान का बलिदान होगा। रे क्लाइमैक्स से पहले ही ब्रेकिंग न्यूज लेके आ गया। ताऊ, हमने गद्दारी नहीं किया ताऊ। माल तो हमने संभाल के नहीं लिए थे और अपने हाथों से गाड़ी में रखवाए थे। रहन दे मीका, इन दोनों ने गद्दारी ना की होगी। जिगरा नायन में पियो, 70 लाख का चूना लगा है, गला तो सूख नहीं लाग रहा होगा। कौन हो सके? तब वो नांगले का सुल्तान तो नहीं है? ना, ज्यादा वो ना है, मटन बाजार वाला। उसकी चाल में नहीं अकड़ आ गई आजकल, देखा? दिल ना मरने, इन दोनों में से कोई ना हो सके। तब अपना माल मिल गया, कोई लेकर है। चल बुला। अरे ये तो वही माल है जो। नमस्ते भैया जी। किधर से मिला तन नहीं हो माल? नहीं मिला नहीं भैया जी, उड़ाए थे हम आपका माल। हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भाई? 70 लाख का माल है यो। अरे भैया जी, 70 लाख का माल तो तब होता जब इको बेच पाते। अब एक बार में तो ये माल बिकता नहीं है, और अगर बिकता तो हम धरे जाते, और ये धंधा जमाने में और कस्टमर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है ना भाई? भैया जी, हम तो सिर्फ आपके साथ काम करना चाहते हैं। इब मैं तन्ने जान से मार दूं तो? काहे भैया जी, हम तो आपका फायदा कराए हैं, वो भी 70 लाख का। मारा माल मारे कोई वापस करके फायदा करा रहा तू? तो भैया जी, वो कोई और भी तो ले जा सकता था, वो तो हम थे जो आपका सारा माल वापस कर दिए। सर में नया आया यो। मारे माल को हाथ लगाना तो दूर, उसे सूंघने की भी हिम्मत ना किसी में। सुने तो हम भी यही थे भैया जी, और डर भी गए थे, पर वो आपके लौंडों के नाक के नीचे से जब माल उड़ाया तो हमारा सारा डर ही चला गया। डर निकल गया तेरा? हाँ भैया जी, हमको मत मारिए, हम एक जगह से आपका बहुत फायदा करा सकते हैं, पूरे 2 करोड़ का, और 2-3 आदमी हमारे साथ भेज दीजिए। भगवान कसम, उसके बाद हम आपका सारा पैसा नहीं लेके आए तो आप हमको गोली मार दीजिए। चल भाई। रुक, मैं भी चलूंगी साथ, देखती हूँ साला चीज है क्या। जरा भी डाउट होवे तो उधर ही ठोक दिया साले ने। गाड़ी साइड में लगवा ले, इसके कहने पे यूं चलना ठीक नहीं होगा, कोई चाल भी तो हो सकती है। तुम लोग जाके पहले जगह का एक राउंड ले लो, तब तक मैं इसे यहीं रोक के रखती हूँ। फिल्म का हीरो हो रहा है तू, जिंदा रहने में तकलीफ हो रही है जो यहाँ आ गया रायता फैलाने? क्यों आया तू बता? वो टाइम पे हम बोल नहीं पाए थे ना तुमको कि वो आई लव यू करते हैं तुमसे,
और तुम भी तो कर बैठी हो आई लव यू हमसे। कौन बोला तुझे? मैं बोली? समझदार है, हम खुद ही समझ लिए। क्या समझा तू? क्या समझा तू? और जो दूसरा ट्रेन की बात कर रहा है ना, वो सब दारू का नशा था, समझा? मुझे तेरे लिए कुछ नहीं है। तू जानता भी है मैं कौन हूं? मैं राणा की 2 साल से हूं उसके साथ। राणा को तू जानता नहीं है, उसे जरा सी भी भनक लगी ना तो काट देगा, समझा? जो हुआ सब भूल जा, दोबारा मत जाइए उसके सामने। अब निकल ले। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे पागल हो गया क्या? राणा ने जान ले लेनी है तेरी। जान देने का इतना ही शौक चढ़ रहा है ना, तो मैं ले लेती हूँ। क्या हुआ? तमंचा चलाना भूल गई का? क्या हम सिखाए? इसकी खबर एकदम पक्की है और खतरा भी कोई नहीं है। उठा साले को। हाँ, उस दिन अकेला समझ के बड़ा धक्का दिया थे तुम। निकाले कलेक्शन कहाँ है 2 करोड़ रुपए का? मैंने काले बैग में रखे थे ना। अबे शादी में नहीं गया आपने? धागा दे दिया दुल्हनिया को? अरे तरस आ गया तुम पर तो दे दिया बलिदान। भेड़दा जहर है तुम। देख रहे गुलाबो, मारे हाथ में रईसी की रेखा लंबी होती जा रही दिखे। और हमारी भी बड़े भैया आपकी छतर छाया में जो आ गए, वो का है बड़े भैया? आपकी नौकरी बजा के हमारा दाना पानी मिल जाए। इस लौंडे में कुछ तो खोट होवे, पता ना लगे के सड़ा सकड़ से ही मनूस लगे। शकल पे ना जाओ, लौंडा अपने काम भी आ सकता है। दिलेर है और फिर अपना काम भी तो बढ़ रहा है। देख यहाँ ज्यादा होशियारी ना बखेरियो, तुझसे जितना कहा जाए जैसा कहा जाए बस कर दीजो, समझा? हाँ हाँ बड़े भैया, अब मौका तो देके देखिए, हम दिल जिगर और जान सबाई लगा देंगे।
अपने ससुराल। ये खबर तो पक्की है कि पुलिस ने एक बड़ा जत्था बरामद किया कोकीन का, यही अपने नेपाल बॉर्डर से। माल जो है पुलिस गोदाम में रखा है जी, पर उस तक पहुंचना है मेरी। तेरे लिए के मुश्किल है चड्डे। ओ बात समझा कर यारा, देख मैं तुझे अफीम चरस दिला देता हूँ, वो अलग बात है। कोकीन का मामला थोड़ा ऊंचा है, अपने बस का ना है, सच्ची बोल रहा हूँ यार। तो जिसके बस की है उससे मिला दे। एसीपी रावत एक भैया जी कोई चक्कर चला सकता है, पर थोड़ा टेढ़ा आदमी है जी, मुंह भी थोड़ा बड़ा है उसका। वैसे भी कोकीन का कारोबार करोड़ों मांगता है। तो हम भी रेजगारी लेके थोड़ी ना जावे उसके पास है जी। तुम मीटिंग तो फिक्स करा। ठीक है जी, मैं चलाता हूँ कोई चक्कर। जय माता दी। एक बात तो हो जाए, एक और। तू गया आज, तू गया, गोली मार देंगे तुझे ये लोग। अरे तो खा लेंगे एक आधा गोली, उसमें का है। चलो मुंह खोलो, पाला है तुम्हारे लिए, वो भी गुलकंद वाला। खोलो 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 खोलो, पूरा नहीं, पूरा नहीं यार। तू कैसा पागल है, तू काट ले। अरे जान पे खेल के छिलते छिलाते तुमसे मिलने आए हैं और तुम कह रही हो कट ले। अरे थोड़ा बतिया ले दो, बहुत मजा आ रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सनीमा के पर्दे में अनिल कपूर। किसी ने देख लिया तो जान चली जाएगी मुन्ना, तू जाना। हाथ जुड़वाएगा क्या? अच्छा तो पहले अपना फोन नंबर दो। अब जा प्लीज। ना जाए तो तुम मर, मैं जाती हूँ। अच्छा तो मरते हैं मुन्ना। ओए मुन्ना जा ना। रख, घड़ी देर लगा दी पीछा लाने में। लिया तो रही हूं, और क्या उड़ लूं। सबको लगे निराला, एक आप ही है जिनको आए ना नजर। कि जान ये हथेली पे रख दे हम तो, कहो तो दुनिया की आज ले ले खबर। अरे अपने भी तो हो कुछ फसाने, प्यार के ये जोखम हमें है आजमाने। कर लो जरा तुम भी इसका नशा, होश में फिराओगे तुम अपने। खामखा ही तुमसे पाला पड़ गया, अब जान ये कैसे छुड़ाए। हाय, खामखा ही तुमसे हम भिड़ गए, वो फंस गए बैठे बिठाए। खामखा हम मिल गए, खामखा हम मिल गए, खामखा तुमसे भिड़ गए।
है छोरे। कंपनी बाग में टहल रहा है, अब सिर पे ना खड़ा रहे, बैठ। इब तू क्यों रुक गई? चालू रख, अपने दल के किसी भी लौंडे में तेरे जितना जोर ना है। तेरे हाथों की मालिश तो मारे नसीब में लिखी है। बस कौन जीतेगा? हम। भैया जी, वो कौन जीतेगा मतलब? इब तेरी और मारी बात तो ना करूं मैं, यो खेल में कौन जीतेगा, कलकत्ता के दिल्ली? हो जी, अपनी दिल्ली को ही जीतना चाहिए, और का। दिल्ली ने अपना कब से बना लिया तने? कहीं दिल तो ना दे बैठा दिल्ली में। इसे कहते हाई डेफिनेशन पिक्चर। आप भी भैया जी। इसने पैकेट देते। सही है, डीडी भी नहीं तो टीवी नहीं। नाम और पता इस पे लिखा है। अब निकल, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। जी भैया जी। और सुन, भाई बुलाइयो तो अपने छमिया के यार ने, मन्ने लोग ताऊ बुलावे, राणा ताऊ। जी जी ताऊ। और सुन, दिल्ली ने आज हारना है। रे डार्लिंग, तू तो चालू रख। जय हो। मैं तो मंदिर में जा रहा था, माता के गाने गा रहा था, मैं तो माता को पूज रहा था, मंदिर में जा रहा था, गाना भी गा रहा था, माता को पूज रहा था। औकात नहीं है तेरी हमारे साथ धंधा करने की, जमीन पर उछलने से कद नहीं बढ़ता। औकात ही तो बढ़ाने की बात करने आया हूं एसीपी, और रही बात कद की, तो वो तो आज भी तारे से लंबा हुए। बुरा ना मानियो एसीपी, जाट हूं, ज्यादा इज्जत ना दी जावे मारे से। हाय, आई एम बाबू रावत। मार्केट में इस माल की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है, कितना दोगे? कमीशन तो सभी देते हैं, हम पार्टनरशिप देना चाहते हैं। बोला था ना, दोस्ती करने आया हूं मैं। 2.5 करोड़ गाड़ी में रखवा दिए, बाकी के 2.5 माल मिलते ही 3 दिन में। रे तुम माल तो दिलाओ। हेलो, एक्सक्यूज। धर्म पत्नी है तेरी? पत्नी तो ना है, पर धर्म पूरा निभावे। हाँ, हैंग अप नाउ। मगर याद रहे, ये जुआ तुम खेल रहे हो, मैं नहीं। टोटल रिस्क तुम्हारा होगा, बाकी चड्डा समझा देगा। दिमाग खराब हो गया ना तेरा मुन्ना? अरे अरे, लगा के तो देखो, देखो तो का जबर दिख रही हो। तू आया क्यों यहाँ पे? अरे भाग चलो हमारे साथ, भाग चलो हमारे साथ। छुपन छुपाई का गेम है क्या? राणा ने ढूंढ के गोली मार देनी है, तुझे पता है ये बात। मेरी मजबूरी है। का मजबूरी है? कि अपने आसिक को छोड़ने में दर्द हो रहा है। कमीना जहर ना उगल मुँह से। तेरे आने से पहले मुझे भी इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
पर अब सब। अरे तो समस्या का है? ये है समस्या। वैसे एक बात बोलूं, तू अगर चाहे तो अभी भी वापस जा सकता है। मेरी खातिर अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नाम याद है? मुन्ना मनोहर मिश्रा। अरे धनिया बो देंगे, दीवार पोत देंगे और लिख देंगे क्रांति। मंदिर में जा रहा था, गाना भी गा रहा था, माता को पूज रहा था। माता दर्शन तो दे अपने भक्तों को, माता दर्शन तो दे अपने भक्तों को। मैं तो रात को जगा रही थी, मैं तो चांद को बुला रही थी, मैं तो माता को पूज रही थी। रात को जगा रही थी, चांद को बुला रही थी, माता को पूज रही थी। माता दर्शन तो दे अपने भक्तों को, ओ माता दर्शन तो दे अपने भक्तों को। जी, ये तो बड़ी आसानी से हो गया है काम, फटाफट है। रावत साहब की मेहरबानी से अब वो कुकिंग तुम्हारा और चढ़ावा हमारा। लाओ जी, लाओ जी। ओए जय माता दी। मैंने यहाँ तो ये लोग कहाँ से आ गए? चल आगे बंदोबस्त लगा दो, गाड़ी से उतर जा और सरेंडर कर दे। बड़ा यारा यारा करे था चड्डे, घनी यारी निभा रहा तू और यारी गई भाड़ में। चल सरेंडर कर दे अपने आप को। ये यहां पे कर। मुन्ना, तेरे खबर पे मैंने नारकोटिक्स तो बुला ली थी, पर राणा फिर भी बच निकला, लेकिन चड्डा मारा गया। मनुष्य था साला, बुरा लग रहा है यार, तेरा काम नहीं हो पाया। नहीं तो आज तेरा और बाबू का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाता। जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, कुछ और सोच लेंगे। पर तुम्हारा एहसान रहेगा हम पर? अरे एहसान तो तेरा है जो तूने चड्डा की खबर दी। बहुत खाना खराब करा उस साले ने मेरा। मैं तो उसे फंसाने की सोचा था, लेकिन तो हमरी तुमरी तो कोई दुश्मनी नहीं है मिक्का। ताऊ के खिलाफ साजिश रचेता है रे। पर ये बात ठुल्लू को बताई किसने? तारे मारे और मीका के अलावा यो बात का किसी को भी पता न था। कौन है भेदी? चूक हुई किधर? राम राम ताऊ। वो मीका भैया हमको हाईवे पे बुला रहे, बहुत देर से खड़े थे, वो आए नहीं, तो हम सोचे खुद ही आके देख लें। किस खातिर बुलाया मीका ने? अरे वो बोले रहे कि आप ही का कोई बहुत जरूरी सामान कहीं पहुंचाने का है, और साथ में ये भी बोले कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ताऊ
ताऊ। झूठ बोल रहा है ये साला। नहीं नहीं। बाकी सब का पता नहीं, पर इसने आज निपटा देना मन्ने। यो ये असली भेदी। पागल लावण राणे, मिक्का और हमारे अलावा किसी को ये बात पता ही नहीं थी, तो ये कैसे हो सकता है? तूने ही तो कहा था अभी। भड़ई इसे खबर ना, इसकी आंखें हमेशा से ही कड़वी लग गई मन्ने। इसने तो मार दिया मन्ने। रुक जा राणा। ताऊ मिक्का टीवी पे। जिसके साथ चोरी का कोकेन पकड़ा गया, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई अभी तक। ऐसे लगता है कि उसने अपने गैंग के खिलाफ इंफॉर्मेशन दे दी। मिक्का की औलाद, जिंदगी भर ये मलाल रहेगा कि तन्ने कोई और मार गया। हेलो एसीपी। बोल एसीपी। यवा एसीपी, बाकी का 2.5 करोड़ भी मांग रहा। अरे माल तो है नहीं, पैसे कहां से लाएंगे? जुगाड़ तो करना पड़ेगा पीसों का, वरना कार्रवाई हो जानी। और ये एसीपी अपने दोनों ने अरेस्ट करा देगा। नाना राणे, मार्केट से पूरा पैसा उठाने के बाद भी 1 करोड़ से कम है, इसे चाहिए 2.5। कहां से लाएंगे पैसे? ताऊ जी बैंक से। हम कह रहे थे बैंक से। ओ देवी और सज्जनों, अब हम सब मिलके खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। री तेरी पतली कमर ते री मने बड़ी दिक्कत हो रही, मेरी नजरों में फस गई एक ब्यूटीफुल सी छोरी। लिटिल बिट ने मटका भाई दोनों कर रहे थे, गणा बदमाश था छोरा भाई सारे। जाएंगे का? और नहीं तो। अरे मौका मिला है थोड़ा घूम लें तो तुम्हारे साथ, अभी तो टाइम है। हाँ टाइम तो है, पर टाइम खराब होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है ना? टाइम तो खराब हो ही जाएगा ससुरा वापस जाके। एक रात की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे प्रेम करने की आजादी नहीं है, ये कौनो जिंदगी है का? क्यों, आज पूरा दिन तूने प्रेम नहीं किया क्या? ये बात तो है, जौन काम आज किए वो रोज रोज नहीं कर सकते का?
सपना ना देख मेरे राजा, किस्मत की रबड़ी रोज रोज नहीं मिलती है ना। तारी और मारी जान की कीमत देने के बाद भी यो सब बचे रे, इतनी बरकत तो मारे धंधे में भी ना हुई कभी। ऊपर वाले के कारनामे भी कमाल हैं। कभी एक रास्ता बंद करे तो एक खोल देवे, कभी दबोचे तो कभी छोड़ देवे। इब देख, इस छोरे ने मारने जा रहा था मैं, तू रोक ली मने, और इब इसके कारण ये सब। अरे ताऊ, हम तो कहते हैं कि आप बोलो तो हम दोनों और लूट के ले आए। ताऊ, वो आपकी समझ में आए नहीं है हम अभी तक। अब ना धंधे की सोचो, चड्डा तो मर गया, हमें माल कौन दिलवाएगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मारी समझ में आन लग रहा है, या यू बोलूं समझ में आ गया है। तेरा मतलब है कि जो काम एक बार हो सके वो बार बार भी तो हो सके है। अरे ताऊ समझते तू जो बोले वो सही, तेरे लिए तो मैं दुनिया लूट लूं। नई दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों में लूटमार और डकैती की कई वारदातें हुई है। अपराधी खुलेआम ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि अब तक इनका सुराग नहीं ढूंढ सकी है। जहां शोर है ये तो उसी और है, बस्ती में देखो जंगल के मोर है। तमंचे और चहके तो थोड़ा सा चहके तमंचे। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। We'll be right back.
जाने मत दो, जिंदा पकड़ने साली को। लड़की को छोड़, मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। हमें जाने दीजिए भाई साहब। चुप क्यों है? बोल ना कुछ। कोई आवाज ही नहीं निकल रहा मुंह से। दिमाग में तो जैसे सन्नाटा छा गया। बच गई है शायद। बच गई है। बस इतना सा बची हो आज? तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कहाँ करते? बड़ा प्यारा जहर है रे तू। छोड़ ना वो सब, मैं यहाँ बैठी हूँ तेरे सामने। कुछ हुआ? जिंदा हूँ। बहुत मेहरबानी है तुम्हारा कि तुम जिंदा हो। ऊपर चेक करो, कोई बचना नहीं चाहिए। एक बात बोलूं, I love you करते हैं तुमसे। भी एक बात कहें, एकदम जहर हो तुम। यहाँ कोई नहीं है, चलो। पूरा घर खाली है। चौहान साहब को इन्फॉर्मेशन दो। अब बस बहुत हो गया, चल निकल चलते हैं शहर से। राणा हाथ से निकल गया, मगर नाकाबंदी के ऑर्डर दे दिए। हम कहीं पे भी भागेंगे, राणा ढूंढ निकालेगा। पर अब ये जुआ तो खेलना पड़ेगा। तो खेल डाल। आ गया तू? किसके साथ जुआ खेलने जा रही है हमारी गुलाबो? बन्ने भी साथ में ले ले। तारे लिए घना लग क्यों मैं? वो ठुल्लो को खबर हो गई है, उन्हीं से निपटने की प्लानिंग कर रही थी कि तू आ गया। बस अब तू ही संभाल, मुझ पे और बोझ ना डाल। रे तभी तो थारी खुशबू सूंघता सूंघता यहाँ आया हूँ मैं। अब तू फिक्र ना कर। तो चल, तारे लिए तोहफा रखा पुरानी हवेली में। इतना माल? रे इतनी मेहनत से जो तन्ने पीसा लूटा ना, उस सब की शॉपिंग कर डाली मने। अपनी जो ये नशे की फैक्ट्री है ना, EBA बन गई है मल्टीनेशनल, जिसका हेड ऑफिस होगा दूर देश नेपाल। यो ही तो चाहती थी ना तू? और धंधा, यहाँ का धंधा कौन संभालेगा? उसकी फिक्र ना कर तू, वो मारे पे छोड़ दे। इब से मुन्ना यहाँ का धंधा संभालेगा, तू तो बस अपने सपनों की पतंग ने संभाल। डोर मैं तेरे हाथ दे ही दी,
कल सुबह हम दोनों यहां से निकल जाएंगे। तैयारी कर ले। अब दो ही रास्ते हैं हमारे पास, या तो खुद मर जाएं, या मार दें साले मादर जात को। एक रास्ता और है, अकेला रहता है मेरे साथ, भरोसा मुझ पे करता है। ये काम मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं जितना तेरे लिए। इरादे नेक ना दिखे आज थारे। जान छीनना चाहती हूँ तेरी, इससे ज्यादा नेक इरादा क्या होगा? छीनने की क्या जरूरत है, कटार है तू। बोल तो तेरे ऊपर गिर के कट जाऊं अभी। जाके अखाड़े में दंड पेल, जान देना रांझों का काम है। तुझमें रांझी जैसी कोई बात तो मुझे दिखती नहीं। इतना भी मुश्किल ना है, बोल के करूं कि रांझा दिखने लगे तने मेरे भीतर। जब मैं तने देखा था ना, एक लहर सी उठ गई थी मारे दिल में हवस की। मन्ने तभी डिसाइड कर लिया था कि यो टोटा मारा होगा। लेके आ गए। फिर क्लाइमैक्स से पहले ब्रेकिंग न्यूज लेके आ गया। मैं अभी आऊं। नहीं हो पाया? काहे नहीं हो पाया? अरे तुम्हारे साथी तो था वो भी अकेला। अरे हम तो सोचे अभी तक गोद दी होगी तुम उसको। अरे काहे नहीं हो पाया? डर गई थी मैं, इसलिए नहीं हो पाया। अरे अब क्या करेंगे, कहा सोची हो तुम? अरे मालूम नहीं क्या होगा। अच्छा छोड़ो, अब गुस्साने से क्या फायदा। अरे हम भी बहुत परेशान हैं। अरे बहुत तकलीफ है हमका। मैंने कहा था आने के लिए, जब मैंने कहा था वापस चले जाए, सबका कोई फायदा नहीं है, तब तो तू माना नहीं। अब बोल रहा है तकलीफ है? क्या करूं मैं तेरी तकलीफ का? अब हमका सब समझ में आ गया, मन बदल गया है तुम्हारा। तुमको तो हमेशा से विदेश घूमने का शौक था ना, और वो ससुराल तुमको लेके जा रहा है। बहुत सियानी हो तुम, और हम ठहरे जमूरे नाचते रहे तुम्हारी डुगडुगी पे। वाह, बहुत सही खेल खेली हो तुम, बहुत सही। हरामी साले, जो तुझे लगता है मैंने तुझे धोखा दिया, तो यहीं खड़ी हूं, ठोक दे मुझे। ये नौटंकी बंद करो,
और हमका ये बताओ कि का बोली हो तुम उसको। अब तो सब जान गया होगा वो हमरे बारे में। कौन सा दिन तय किए हो तुम दोनों हमारी जान लेने के लिए? हाँ, कसम से ये ना सोचा मिट जाएगा भरोसा, अंजाम अपने प्यार का होगा इस तरह। तुझे था रजा नहीं तो जाने फिर क्यों, लुटते रहे तेरी हर हंसी पे बेवजह खामखा। ताऊ, ताऊ, रात बेटी खसर, फटा रखे, पर क्यों? कौन बेचे तने? कौन बेचे? मजनू बड़े? क्या समझा तू मने? पत्तल लेने का शौक चढ़े तने? मजनू बनने का शौक चढ़े? बता अपनी असलियत। देख देख वोटो मारे खाड़े में आके मारे टोटे को ताड़े, ये भी इसी के हाथों से मरवाऊंगा तने। ये ले, आजाद कर दे इसने। चला दे गोली बाबू, हमका जिंदा छोड़ के मत जाना बाबू, तुम्हारा एहसान होगा। अरे अरे तुम्हारे लिए तो आए थे यहां, अब तुम मारोगी तो हमारा आना सफल हो जाए। मार दे इसने, मार दे साला, ये प्यार व्यार का झंझट ही खत्म हो जाए। मार दे इसने। रुक जा राणे, छोड़ से वरना मैं गोली चला दूंगी। मुन्ना गाड़ी में बैठ। देख राणे, मुझे मुन्ना के साथ जाने दे, इसे प्यार करती हूँ। तू अपने रास्ते जा, हम दोनों को अपने रास्ते जाने दे। नाकिन निकली तू तो, जा
जितनी दूर जाना चली जा, ताकि मैं भी तो सोच लूं कि कैसे मारूंगा मैं तुम दोनों को। सही किया तूने अपना इरादा बता के। अब तुझे जिंदा छोड़ना सी आ पाओगा। हमरे साथ हमरे गांव तो चल रही है, पर चूल्हा चौका कुछ आता है कि वो बोझा भी हम पर है। बहन दे टके, ज्यादा ऐंट मत। तमंचा चलाना सीख गई तो चूल्हा जलाना क्यों नहीं सीखूंगी। और तू क्या करेगा, रोटियां तोड़ेगा? अरे काहे, पैसा कौन कमाएगा? अब दहेज तो आने जरा। चाय पियोगी गर्मा गर्म? हाँ। बस यूं गए और यूं आए। कितने लोग थे साथ में? कौन था? सर वही था लड़की के साथ। मारे इतना पीने के बाद भी बोतल में शायद अभी भी बाकी है। रे मारी डार्लिंग बन के रहती तो जवानी तो कटती है इसमें। इब देख, शरीर का यो सारा सामान बेकार जावेगा, ना मारे काम आवेगा ना थारे उस रंजे के। इब उसने भी बुला ले, जी तो पाओगे ना साथ में है? कम से कम साथ में मर तो लो। जान पे बनाएगी जो अगर कहीं वो यहाँ आ गया तो। बड़ा खिलाड़ी है ना तू राने। उंगलियों पे नचाता आया मेरा रांझा तुझे आज तक। पुलिस में तेरी मुखबरी करने वाला कौन मेरा रांझा? मिक्का की जान लेने वाला कौन मेरा रांझा? तुझे नोट गिनने में लगा के तेरी डार्लिंग के साथ घूमता रहा और अब तेरी नाक के नीचे से उड़ा ले गया तेरी डार्लिंग को। अब बोल खिलाड़ी कौन? अब नहीं कहेगा साधना यार मन को बड़ा खट्टा लगे। हार गया तू राणे, हार गया तू। ताऊ, thank you.
घंटे से चल रही इस कार्यवाही में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। दोनों ही अपराधी इसी इलाके में छुपे हुए हैं और अब देखना ये है कि पुलिस को कब तक सफलता मिल पाती है। सरेंडर कर दे? अरे सीधे जेल में डाल देंगे, फिर कैसे बसाएंगे अपना घर? अरे नई जिंदगी के लिए पुराना हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। अच्छा तुम्हारी उम्र क्या है? बहन दे टके, औरत से उम्र पूछेगा? नहीं, हम सोचे कि जेल से निकलने के बाद कितनी जिंदगी बाकी रह जाएगी, जरा उसको नाप ले। कितनी मिलेगी ये तो नहीं पता, मगर जितनी भी मिलेगी आजादी से जीने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी जो भी सजा देगी हमको मंजूर है। अबे कोई सरेंडर वरेंडर नहीं। ना। गोली मारे साले ने, गोली मार। अरे पकड़ साले ने, भाग ले अपन। फंस गए हैं शायद। तुमका डर तो नहीं लग रहा है? झूठ नहीं बोलूंगी, डर तो लग रहा है। हमका भी लग रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा। तुम्हारे साथ जीने का जो सपना देखे थे, उस सपना टूटने का दर्द। हमारा शादी रही गया आखिर। पिछली वाली का तो नाम तक नहीं जान पाया। तू मेरा नाम जानता है क्या? बिंदिया, बिंदिया ठाकुर। सुन, तू कभी घर घर खेला है क्या? उधर देख। तू बड़ी देर लगा दी। अरे तुम्हारा मर्द बिजनेस करता है खेती का, देरी नहीं होगी का? तुम बताओ कैसी गुजरी है आज की? मेरी छोड़, हाथ मुंह धो ले, चाय पानी करा दूं, चल। नाश्ता पानी खुदा ही बनाई हो कि मांगी हो कहीं से? बहन टके, तू आ तो खुद ही बनाया है। तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही तेरे ताज है जिसे आता है सब कुछ? हट पीछे, तेरे हाथ गीले हैं। ऊपर चढ़ो। इमें है का? हाँ? अब वो तो तुझे खा के ही पता चलेगा। पर हाथ तो गीले हैं ना। बढ़िया है, अब जो भी है। साले झूठे जहर।
तुम भी तो एकदम ससुरा जहर हो। अच्छा बाल बच्चे सो गए का? ऐसा कोई शीशा होता जिसमें हर इंसान की असली सूरत दिखती तो हमरी और तुमरी सूरत भी ऐसा ही दिखती। काम जो रावण जैसा करते हैं।